9 बज गए हैं, सुल्तान कहाँ रह गया? भूख लग रही है, कब से इंतजार में खड़ी हूँ। चल ना, निकल यहाँ से, बावर्ची खाने का रास्ता पकड़ो, जो भाभी कहती है बनाओ जाकर। अरे भाभी की बात माना करो ना, वहाँ जो कहती है तेरे फायदे के लिए बोलती है, तेरी माँ की जगह है माँ। अरे ये समझे तो, बात ही नहीं सुनती है, कितना समझाया है कितना सिखाऊं। चिखवाती है खाओ। हाय ला, दर्द ज्यादा हो रहा है, दवा लाओ। हाँ ले आओ, दवा तो वक्त पे खा लिया करें। सुनो रानी, मुझे पानी ला के दो। जी माँ जी। अच्छा रुको, तुम क्या करने लगी हो अभी? मैं रोटियां बनाने लगी हूँ। अच्छा, मेरे लिए रोटी मत बनाना। क्यों भाई, खाना नहीं खाओगी? भूख हड़ताल करने का इरादा है क्या? नहीं तो। डाइटिंग कर रही हो क्या? नहीं, बस दिल नहीं चाह रहा। अरे वालेकुम अस्सलाम। सुल्तान तुम आ गए, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मेरे इंतजार में या अपने बर्गर के इंतजार में? अच्छा, इसीलिए इसने रोटी बनवाने से मना कर दिया था। भाई जाग रहे हैं? अगर सोए नहीं है तो जाकर सलाम कर लो। हाँ हाँ जाग रहे हैं, वैसे इसके लिए बर्गर लाए थे तो हमारे लिए भी ले आते। भी ऐसा हो सकता है मैंने पूछा ना हो, ये परवीन से पूछा था मैंने, कह रही थी बाकी किसी का जी नहीं चाह रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तुम भाई से मिलो, मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगवाती हूँ। हाँ ठीक है भाभी। तो बर्गर खाने का हमारा जी नहीं चाह रहा क्या? वो मैंने सोचा सबके लिए कुछ ना कुछ लाते ही रहते हैं, और मैंने तो पहली दफा फरमाइश की थी ना। हाँ। और वैसे भी घर में खाना बना हुआ था, अब वो ऐसे ही जाया जाता, इसलिए मैंने तो थोड़ी सी बचत करवा दी ना। बचत बचत,